नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी दीदी एडमिट है, और वहाँ जाके देखता हूँ क्या अपडेट है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे लग रहा है आप लोगों की दुआएं काम कर रही हैं। दोस्तों ऐसी खबर आई है कि थोड़ा ठीक है अभी। और एक बात, ये जल है, ये जल लेके मैं जा रहा हूँ। सुबह मैंने पूजा की और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के इस जल को अभिमंत्रित किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंगबली जी जरूर कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करेंगे। इस जल को मैं उन्हें पिलाऊंगा और उनके स्वस्थ होने की कामना करूंगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ हॉस्पिटल के लिए, और यहाँ पर मुझे थोड़े नारियल मिल गए हैं। नारियल पानी की ज़रूरत होती है, तो सोच रहा हूँ एक नारियल यहाँ से ले लूँ, क्योंकि वहाँ पर जो नारियल है वो हॉस्पिटल के नाम से लूट मचा के रखी है। 80 रुपये का एक नारियल वहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये भाई से पूछा तो ये बोले 60 रुपये, तो 20 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है दोस्तों। तो फिर मैं अभी यही चाहूँगा कि यहाँ से ही मैं नारियल ले लूँ और आगे निकलो। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूँ खजूरी चौक। ये खजूरी चौक है, अभी यहाँ से मुझे जाना है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट जाने के लिए दो ऑप्शन है, नंबर एक बस, नंबर दो ऑटो। ऑटो में जाम के चक्कर में इन्हें 10 रुपये बढ़ा दिए, मोनोपोली हो गई है, और ये मांग रहे हैं 30 रुपया, लेकिन बस का जो है वो 10 रुपये है। तो मैं 10 रुपये जाना पसंद करूँगा, यानी बस से। तो मैंने 20 रुपये नारियल में बचा लिए और 20 रुपये यहाँ बचा लूँगा। टोटल बचत मेरी हो गई 40 रुपये की। 40 रुपये से मैं आगे और मेरा खर्चा बच सकता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आ गया हूँ कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन। ये अभी मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेट्रो ये कश्मीरी गेट बस अड्डा है, और इसके साथ मैं अभी मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ के फिर राजीव चौक जाऊँगा।
फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल। एक जगह पहले ये इधर वो किया था, इधर टांके लगा के इन्हें बंद कर दिया है, फिर दूसरी जगह से काट के फिर यहाँ पर ये लगा के अभी इसमें ये लॉक लगाने के लिए हुआ है, ताकि वो कोशिश करें कि मुंह के रास्ते सांस लें। मुंह खोलो, खोलो मुंह को। मित्रों, दुआओं का असर है, आपकी दुआओं का असर हो रहा है। मित्रों देखो, ये मुंह एकदम बंद था, आज ये खुलने लगा है, धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये देखिए, मुंह में मूवमेंट है, बोलने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये देखा दोस्तों, वाह, ये तो चाहिए, वेरी गुड। बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कामयाब हो जाएगा। दुआओं का असर है दोस्तों, दुआएं काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआओं का असर है कि हमारी दीदी आज इतना के हाथ पांव इतने चलने लग गए हैं और वॉइस व्यू से वेंटिलेटर से यहाँ पर आ गई हैं। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।